एक्चुअल में अभी तक तो इंडस्ट्री को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर 11 तारीख को जो ऊना में भारी बारिश हुई है, जिसमें कि 220 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसकी वजह से एक स्वां नदी की ट्रिब्यूटरी है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बाथू बाथरी, वहाँ पे भारी तादाद में बारिश होने की वजह से और नाले में जो है बहुत पानी आया है और उसने इंडस्ट्रियल एरिया को डैमेज किया है। वहाँ पे लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ऊना में हमारे बाथू बाथड़ी इंडस्ट्री एरिया में नुकसान हुआ है। उसमें कोई 8-10 फैक्ट्रीज जो हैं वो कम्प्लीटली और पार्शली जो है वॉश आउट हुई और उनको नुकसान हुआ है। एक पेट्रोल पंप है उसको भी डैमेज हुआ है, रोड्स को भी डैमेज हुआ है। बाकी बद्दी बरोटी वाला में भी हमको जो है इंडस्ट्री एरिया में जो है कुछ रोड्स है, कुछ पीने के पानी की स्कीम्स है, कुछ इंडस्ट्रीज है, उनको डैमेज हुआ है, मगर जिस तादाद में ऊना में नुकसान हुआ उतना हमारे और इंडस्ट्री एरिया में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्रीज़ को राउंड अबाउट कुछ 100 से 100 to 125 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हुआ। केंद्र से इसके लिए कोई नहीं, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को जो है अवगत कराया है जो इंडस्ट्री एरिया में नुकसान हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार भी और केंद्र सरकार भी जो है हमको मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी लगभग 1,000 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें से बहुत सारी रोड्स हैं, पीने के पानी की स्कीम्स है, और 125 के करीब जो है लोगों की जानें भी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल एटीट्यूड और एक केंद्र एक हिमाचल को आर्थिक रूप से मदद करेगा, ताकि जो ये संकट आया है इससे हिमाचल प्रदेश जो है उबर पाए। नहीं देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, और 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है, जो सिक्स पे कम से जो सिक्स पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है, डीए है, एरियर्स है, वो विरासत में 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पिछली सरकार ने इस सरकार को दी है। मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो विकास की गति है वो बड़ी है। अब जो जिन डिसीजंस की बात आप कर रहे हैं और जयराम जी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने चुनाव से पहले चुनावी वर्ष में ये सारी चीज़ों को जो है वो टेम्परेरी जो है वेव ऑफ किया था। अब जो पानी का कनेक्शन है वो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन के 50 रुपये प्रति कनेक्शन जो है वो लिए जाते थे और बहुत लंबे अरसे से लिए जाते थे, मगर जून 2022 में चुनाव से 3 महीने पहले उसको वेव ऑफ किया गया है। तो आज सरकार ने उसको रिस्टोर किया है, जो फैसला बीजेपी ने बंद किया था उसको रिस्टोर किया गया है। और इसमें जो गरीब लोग हैं, आईआरडी के लोग हैं, हैंडीकैप्स हैं, डेस्ट्यूट्स हैं, विधवाएं हैं, उनसे जो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल वही उन्हीं से लिया जाएगा जो साधन संपन्न लोग और अमीर लोग हैं। अब आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजनेस है, कारोबार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, होम स्टेज है, बड़े बड़े होम स्टेज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आ चुके हैं, उनसे सरकार उनसे पानी के एवज में सरकार कोई पैसा नहीं लेती थी। तो अब उनके ऊपर जो है सरकार ने अगर बिल लगाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, और 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है, जो सिक्स पे कम से जो सिक्स पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है, डीए है, एरियर्स है, वो विरासत में 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पिछली सरकार ने इस सरकार को दी है। मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो विकास की गति है वो बड़ी है। अब जो जिन डिसीजंस की बात आप कर रहे हैं और जयराम जी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने चुनाव से पहले चुनावी वर्ष में ये सारी चीज़ों को जो है वो टेम्परेरी जो है वेव ऑफ किया था। अब जो पानी का कनेक्शन है वो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन के 50 रुपये प्रति कनेक्शन जो है वो लिए जाते थे और बहुत लंबे अरसे से लिए जाते थे, मगर जून 2022 में चुनाव से 3 महीने पहले उसको वेव ऑफ किया गया है। तो आज सरकार ने उसको रिस्टोर किया है, जो फैसला बीजेपी ने
बंद किया था उसको रिस्टोर किया गया है, और इसमें जो गरीब लोग हैं, आईआरडी के लोग हैं, हैंडीकैप्स हैं, डेस्ट्यूट्स हैं, विधवाएं हैं, उनसे जो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल वही उन्हीं से लिया जाएगा जो साधन संपन्न लोग और अमीर लोग हैं। अब आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजनेस है, कारोबार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, होम स्टेज है, बड़े बड़े होम स्टेज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आ चुके हैं, उनसे सरकार, उनसे पानी के एवज में सरकार कोई पैसा नहीं लेती थी, तो अब उनके ऊपर जो है सरकार ने अगर बिल लगाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।